स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं टैली आर पी नाइन की क्लास। टैली आर पी नाइन में हम पढ़ रहे हैं इस समय जीएसटी, और जीएसटी में मैंने आपको नोट्स भी भेजा था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसकी पीडीएफ बनाकर मैंने आपको सेंड किया था, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और मैंने दो तीन वीडियो बना चुका हूँ जीएसटी में। ये नोट्स आप लोग शायद पढ़े होंगे। इसमें हमने जीएसटी पर ट्रांजैक्शन करना भी सीखा था, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग ट्रांजैक्शन बताने वाला हूँ, जैसे किस प्रकार के ट्रांजैक्शन को पास आउट करना कैश पे। अभी तक जो भी हमने जीएसटी के बिल जनरेट किए हैं वो क्रेडिट बेस पे जनरेट किए हैं, यानी कि हमने क्रेडिट परचेस किया था, क्रेडिट सेलिंग किया था। हमने कोई भी जीएसटी बिल कैश पे जनरेट नहीं किया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैश पर जनरेट करना बिल को। यदि हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैसे हम जीएसटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, और सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगाएंगे, आईजीएसटी कब लगाएंगे, ये बताऊंगा। और साथ में आज ये भी बताऊंगा जीएसटी रेट को दूसरे तरीके से भी इम्प्लीमेंट करना। टैली आर पी नाइन दो तरीके से जीएसटी रेट को इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो दोनों तरीके भी आज हम सीखेंगे। तो ये नोट शायद आपने पढ़ लिया होगा, इसमें किस प्रोडक्ट में कितना जीएसटी लगाना है, कितने टाइप से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, सब कुछ दिया हुआ है आपका। रेगुलर रजिस्ट्रेशन कब होता है ये मैंने समझाया भी था, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, इसको कब कौन ले सकता है, इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक टैक्स और होता है जिसे सेस टैक्स कहते हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। ये सेस टैक्स ये दिया हुआ है, क्या होता है, टैली आर पी नाइन इसको भी इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टैली में। इनकम टैक्स की गणना करते समय सेस और सरचार्ज का भी सामना करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा टैक्स होते हैं, जब जीएसटी के अलावा कुछ टैक्स लगाए जाते हैं तो सेस टैक्स का यूज किया जाता है। सर्च टैक्स टैक्स भी लगाया जाता है, लग्जरी कुछ आइटम्स होते हैं या जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है उनसे कुछ एजुकेशन और हेल्थ के लिए टैक्स वसूले जाते हैं, जिसके लिए सरचार्ज को यूज किया जाता है। सरकारें सेस को समानता किसी विशेष उद्देश्य के लिए पूरा करती हैं, जैसे एजुकेशन के लिए है, पढ़ाई के लिए, या हेल्थ के लिए, जैसे इस समय महामारी चल रही उसके लिए जो टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। और जब एक्स्ट्रा टैक्स की आवश्यकता होती है तो उसमें हम सेस और सरचार्ज टैक्स को वसूल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी टैली आर पी नाइन हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और आपने देखा था जैसे ही हम जीएसटी को इम्प्लीमेंट करते हैं उसी के साथ सेस के भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टैली आर पी नाइन। भारत में कुछ मुख्य देशों के लिए जो लाए जाते हैं टैक्स, ये देखिए एजुकेशन के लिए, क्योंकि हम कई प्रकार के एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हमको स्पेशल टैक्स की आवश्यकता होती है। रोड से रिलेटेड होते हैं, फ्यूल से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, क्लीन एनर्जी और आपका कृषि से रिलेटेड, स्वच्छ भारत से रिलेटेड, इनके सब के लिए अलग से बजट की आवश्यकता होती है, और उस बजट को पूरा करने के लिए सेस या सरचार्ज टैक्स की आवश्यकता होती है, उसको जीएसटी के अलावा। और ये कंडीशन के आधार पे लगाए जाते हैं, जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, जिनका टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है, उन पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। मान लेते हैं प्रकाश को वित्तीय वर्ष 18-19 में कुल 4.5 लाख रुपए की आमदनी होती है। इस आमदनी पर प्रकाश के ऊपर कुल 10,000 रुपए का इनकम टैक्स बनता है। इस पर सेस का निर्धारित निम्न तरीके से होगा। टैक्स के 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लागू है, तो प्रकाश को अपने 10,000 रुपए इनकम टैक्स पर 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस चुकाना होगा, यानी कि 10,000 रुपए जो उसका टैक्स बना उसमें 4% उसको किसके लिए देना होगा, हेल्थ और एजुकेशन के लिए सेस टैक्स एक्स्ट्रा देना होगा, उसको भी टैली आर पी नाइन में मेंटेन किया जा सकता है। यानी कि अब जो उसको देना होगा प्रकाश को कुल 10,400 रुपए इनकम टैक्स को
पेमेंट करना होगा, 400 रुपये सेस टैक्स में डालना होगा आपको। तो इस तरीके से भी टैली में मेंटेन किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको कैसे मेंटेन करते हैं मैं एसएस को भी एक बार बता देता हूं आपको। टैली आरपी 9 में देखिए, जब आप इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं उसी समय आप निर्धारित कर सकते हैं कि इसके साथ कौन कौन से टैक्स लगाना है। हमने कुछ बनाए हुए थे जिनको हमने यूज किया था, आज मैं एक स्टॉक आइटम और क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टॉक आइटम आपको बनाए हुए थे, आपने देखा था, इन पे हमने टैक्स निर्धारित किया था। देखिए 18% इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स लगा है ऑन वैल्यू पे, और नीचे सेक्स टैक्स भी दिया हुआ है। तो हम इन्हीं आइटम पे भी कर सकते हैं, नए आइटम में भी उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। या मान लीजिए किसी से हमको लेना है सेस चार्जेस लेना है, तो उसको हम अलग से भी इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। जैसे राइस एक हमने दिया पैकेट के रूप में, अप्लीकेबल जीएसटी, और एस किया मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑन वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स जितना आपका हो 18%, और इसके अलावा सेस यहाँ पे दिया होता है जितने परसेंट आपको सेस लेना हो, 4% यदि सेस चाहिए तो यहाँ पे 4% सेस भी इसके साथ लग जाएगा। आप देखिए इस आइटम का आप ट्रांजैक्शन करिए, मैंने इसमें 4% सेस को भी निर्धारित किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए 18% जीएसटी लगेगा और 4% इसका क्या लगेगा सेस। इस प्रकार से टैली आरपी 9 में टैक्स को निर्धारित करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। साथ में यहीं पर मैं एक आइटम और आपको बताते चलता हूं। मान लीजिए एक आइटम और हम क्रिएट कर रहे हैं, यूनिट क्रिएट कर लेता हूं, केजी में ले लेते हैं इसको। किलोग्राम जीएसटी एप्लीकेबल किया मैंने। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कैलकुलेशन टाइप आप चेंज कर सकते हैं। अभी तक जो भी कैलकुलेशन मैंने बताए हैं ऑन वैल्यू पे बताए हैं, आप यहां पे ऑन वैल्यू के अलावा ऑन आइटम रेट के आधार पे भी कैलकुलेशन निर्धारित कर सकते हैं। आइटम रेट का मतलब ये है कि जब हमें एक ही आइटम पे अलग अलग टैक्स निर्धारित करना हो तब हम यूज कर सकते हैं ऑन आइटम रेट। यानी कि हम ऐसा चाहते हैं कि यदि वो 500 क्वांटिटी लेता है तो उसका टैक्स रेट अलग रहे, 12% रहे, 500 से ज़्यादा लेता है तो 18% हो जाए, उससे ज़्यादा लेता है कुछ और हो जाए, इस प्रकार से। यानी कि कह सकते हैं जब एक ही आइटम में डिफरेंट टैक्स इम्प्लीमेंट करना हो, अलग अलग प्रकार के कई टैक्सेस इम्प्लीमेंट करने हो, तब हमको क्या यूज करना चाहिए ऑन आइटम रेट। तो यहाँ पे मैं जीएसटी में ऑन आइटम रेट भी आपको बताना चाहूँगा, आप यूज कर सकते हैं। कंसीडर द एडिशनल एक्सपेंसेस या इनकम लेजर स्लैब रेट भी कैलकुलेशन आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए 0 से ग्रेटर देन और जितना आपको देना हो टैक्सेबल, जितना आपको रखना हो, 5% रखना है तो 5%, फिर 5 से ज़्यादा वो पीस खरीदता है, 5 से 10 के बीच में तो मान लीजिए हमने कर दिया 12%। इस तरीके से भी आप टैक्स निर्धारित कर सकते हैं। और यदि 10 से 20 खरीदता है, अप टू 20, तो मैंने कर दिया 18%। इस तरीके से आप टैक्स निर्धारित कर सकते हैं। ये विंडो आपको दिख रही होगी, 0 से 5 के बीच में टैक्सेबल 5% है, और 5 से 10 के बीच में टैक्सेबल वैल्यू 12% है, और 10 से 20 के बीच में 18% है। इसके बाद यदि 20 से अबव हम कितना भी वो खरीदे तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे अप टू को, टैक्सेबल जितना आपको रखना हो, 28%, 18%, जो भी रखना हो वो टैक्स आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके स्टूडेंट,
तरीके से भी टैक्स को लगा सकते हैं। तो आज मैंने विभिन्न प्रकार के आइटम में कई प्रकार से जीएसटी रेट को इम्प्लीमेंट करना लगाना आपको बताया, और इन्हीं टैक्स के आधार पर जैसा आप यहाँ टैक्स इम्प्लीमेंट कर देंगे वैसे ही ट्रांजेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। एक एंट्री करके मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप एंट्री कर लीजिएगा, चला लीजिएगा जीएसटी पे। साथ में आज मुझे बताना है कि कैश पे यदि आप खरीदते हैं तो कैसे आप जीएसटी को निर्धारित करेंगे, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा, ये कैसे निर्धारित होगा, तो ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आइए कैश की एंट्री आज हम पोस्ट करते हैं। अभी तक जो भी जीएसटी की एंट्री हमने पोस्ट किया है वो हमने क्रेडिटर बेस पे किया है या डेबिटर बेस पे किया है। आज हम कैश पे खरीदेंगे, कैश पर बेचेंगे। तो सबसे पहले परचेस की एंट्री में पोस्ट करता हूँ और कैश में परचेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक अरुण से परचेस कर लेते थे, राम को बेच देते थे, उमाकांत से खरीद लेते थे, रमेश को बेच देते थे, ये सारे हमारे लेजर्स होते थे डेबिटर और क्रेडिटर बेस पे। लेकिन आज जो हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं वो किस में करने वाले स्टूडेंट, कैश पे। आज हम परचेस करेंगे कैश। ये कैसे निर्धारित होगा कि उसमें एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इंडिया मेन डिसाइड होगा स्टेट से, आप यहाँ पे ध्यान दें, कंट्री हमने इंडिया सेलेक्ट किया, स्टेट यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यानी कि मध्य प्रदेश की कंपनी है और मध्य प्रदेश में ही हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो जब सेम स्टेट पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या लगता है स्टूडेंट, मैं आपको बता चुका हूँ, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट रहने देते हैं मध्य प्रदेश, यानी कि जो हम कैश में खरीद रहे हैं कहाँ से खरीद रहे हैं, मध्य प्रदेश से। रजिस्ट्रेशन मैं आपको समझा चुका हूँ, यदि वो जीएसटी बिल देता है तो उसके पास रेगुलर रजिस्ट्रेशन होगा या तो कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन होगा। कंपोजिशन वाला व्यक्ति अदर स्टेट पे सेलिंग नहीं कर सकता है और ना ही जीएसटी बिल प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, परचेस और क्वान्टिटी, जो भी आपको प्रोडक्ट जो अभी हमने बनाए हैं शुगर राइस उनको आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 पैकेट 5 पैकेट हम खरीद रहे हैं 100 रुपये के हिसाब से, पैकेट 500 रुपये। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी, इनपुट तो लगेगा ही क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं, तो इनपुट सीजीएसटी लगेगा और इनपुट एसजीएसटी। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से एंट्री को पोस्ट कर दें। टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेशन एज पर द सेट द रेट, टैक्स वेरीफाई द सेस अमाउंट, एक टैक्स जो है वो आपका मैच नहीं कर रहा है। आप यहां देख सकते हैं यदि टैक्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा बना हुआ है इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जो लेजर हमारे बने हुए हैं वो आपको मालूम है किस बेस पे हमने बनाए हैं, 12% 18% इस तरीके से हमने बनाया हुआ है, और वहाँ पे हमने सेस को भी इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सेस का कोई कॉन्सेप्ट लेजर में नहीं किया हुआ था, तो वो आप कर लेंगे। मान लीजिए मैं शुगर यहाँ चेंज कर देता हूँ, ये आइटम भी हमारा सही क्रिएट नहीं है, एक बार आप चेक कर लेते हैं। शुगर को मैं अल्टर कर देता हूँ, यूनिट सही केजीएस एप्लीकेबल जीएसटी एस, अच्छा इसमें हमने रेट सेट नहीं किया था, ऑन वैल्यू कर देता हूँ मैं, एक्सेप्टेबल, या आपको इसके आधार पे करना है तो इसके आधार पे भी आप इस रेट को इम्प्लीमेंट कर देंगे 1 अप्रैल से।
एस रेगुलर परचेस अमाउंट पचास केजी 50 के रेट में, और इसमें चूंकि हमने मध्य प्रदेश लिया है तो सीजीएसटी और आईजीएसटी ही लगेगा, और सॉरी एसजीएसटी इंप्लीमेंट करोगे, टैक्सेशन आपके इसमें बराबर है। उसमें हमने सेस को रखा है, सेस हटा देंगे तो मैचिंग हो जाएगी टैक्स की। आप जैसा कि जानते हैं यदि टैक्स दोनों में मैच होना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप टैक्स यूज कर सकते हैं। और ये अभी जो कैश की हमने एंट्री किया, ये किसने किया, हमने मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की कंपनी सेम स्टेट पे। यदि अदर स्टेट पे आपको खरीदना है तो देखिए क्या करना है, कैश परचेस। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब हम कैश पे गए तो यहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ मध्य प्रदेश की है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हमको परचेस करना है तो उत्तर प्रदेश कर दूंगा और रजिस्टर्ड कर देता हूँ अदर कंट्री से भी मैं परचेस कर सकता हूँ। ये देखिए इंडिया के अलावा कहीं से भी मैं परचेस कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश किया, रजिस्टर्ड रेगुलर किया। यहाँ पे कैश की एंट्री करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, और जहाँ से भी आप प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी इंप्लीमेंट नहीं होगा टैक्स, इसमें क्या लगेगा स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, आईजीएसटी लगेगा। ये देखिए जिस प्रकार से हमने परचेस पे इंप्लीमेंट किया, ऐसे सेलिंग पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको सेल करना है तो मैं सेल वाउचर सेलेक्ट किया, और सेलिंग के लिए मैं कैश यूज करूंगा। कैश के सेलिंग में भी आपको ध्यान रखना है, हमको पहले सेम स्टेट पे सेल करके दिखा रहा हूँ मध्य प्रदेश, और रेगुलर मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने सेलिंग किया। सेल अमाउंट शुगर ही सेल करता हूँ, 20 केजी शुगर मैंने सेल किया 100 रुपये के रेट में। अब इसमें सेम तो आउटपुट हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ओके स्टूडेंट, ओके। और यदि अब मैं बात करूँ अदर स्टेट पे, तो अदर स्टेट पे भी आप दे सकते हैं। पार्टी का नाम हम कैश रखेंगे, कंट्री हमारी इंडिया होगी, और यहाँ पे मध्य प्रदेश की जगह क्या होगा, कोई भी अदर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, और रजिस्टर्ड हमारा रेगुलर होगा, रजिस्टर्ड हमारा रेगुलर सेल शुगर एस। अब हमें यहाँ पे कौन सा टैक्स लगाना होगा स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आईजीएसटी इंप्लीमेंट होगा, ये देखिए बिल भी आप जनरेट करा सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंट से बिल आप जनरेट करा सकते हैं। ये हमारा बिल जनरेट हो गया, ये देखिए रामसंस विद जीएसटी जानकीकुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश, स्टेट मध्य प्रदेश है, कोड नंबर ये है उत्तर प्रदेश। वायर जो है जिसको हमने सेल किया है वो उत्तर प्रदेश का है, और ये कोड है उसका 09। कैश में सेलिंग किया है, आउटपुट आईजीएसटी इसलिए लगा, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यदि ऑर्डर नंबर होता, डिलीवर्ड होता, डिस्पैच नंबर होता, डेस्टिनेशन होता, वो फिलअप होता, टैक्स डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। टैक्सेबल वैल्यू जो बनी है वो आपकी कितने की बनी है, 2000 रुपये में टैक्स बना है 560 रुपये, और जो टैक्सेबल वैल्यू आपकी है 2000 रुपये, 28% जीएसटी के साथ इसको यूज किया गया है 560 रुपये,
यानी कि जो टोटल अमाउंट बना है इन 2560 ओनली, और जो टैक्सेबल वैल्यू है इन आर 560 ओनली। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जीएसटी के साथ एंट्री को कैश में भी पोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्रेडिट और डेबिटर पे तो मैंने बता ही दिया था आपको, क्रेडिट और डेबिट के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। और जीएसटी के दो मेथड भी मैंने बताए, उनको इंप्लीमेंट करने के तरीके भी बताए, ऑन रेट के आधार पे भी, ऑन वैल्यू के आधार पे भी आप जीएसटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जीएसटी की प्रैक्टिस करिएगा। ये भी जो भी मैंने जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन आपको बताया, टैली आरपी 9 पे बताया, मैं एक वीडियो टैली प्राइम पे भी इसका बनाऊंगा और आपको बताऊंगा टैली प्राइम में जीएसटी को कैसे यूज किया जाता है। टैक्स रिलेटेड देखने के लिए मैंने रिपोर्ट बताया था, आप डिस्प्ले पे जा सकते हैं, स्टेटरी रिपोर्ट और जीएसटी पे जाएंगे, यहाँ पे आप रेट सेटअप भी देख सकते हैं किस पे कितना रेट है। देखिए कंप्यूटर पे, राइस पे, टैक्सेबल 4% सेस भी लगा हुआ है यहाँ पे जो मैंने बताया था। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए 18.99% सेस के साथ है ये स्मार्टफोन। और शुगर जो है आपका, इसका रेट ऑन आइटम रेट पर है, ये आइटम रेट पे लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी, ऑन आइटम रेट पे इम्प्लीमेंटेड है ये टैक्स आपको दिखा रहा है। स्टॉक ग्रुप है इन द मल्टीपल रेट, सिंगल स्टॉक आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो रेट है आइटम रेट पर है, इसके रेट को हम यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, ये देखिए मैंने बताया भी था उस दिन। और यहाँ से रेट को सेट भी मैं कर सकता हूँ, ये देखिए। इसके रेट, ये देखिए रेट नॉट कॉन्फिगर है ये, यदि अब इसका रेट आपको कॉन्फिगर करना है तो सेट रेट यहाँ से भी मैं यूज कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑन वैल्यू के आधार पे देना है, एक्सेप्टेबल जितनी वैल्यू आपको देना हो उतने एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। टैक्सेबल जितना टैक्स आपको निर्धारित करना हो, ये देखिए यहाँ से भी टैक्स को हम निर्धारित कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से किसी आइटम के टैक्स को हम चेंज भी कर सकते हैं और उसको निर्धारित भी कर सकते हैं। आइटम वाइज रेट हम देख भी सकते हैं और ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, कितने लेजर पोस्ट किए गए हैं, कितना उसमें अवेलेबल है, कितना कैश किया गया है, टैक्स पेड कितना हो रहा है, ITC अवेलेबल कितना है, इनवाइस नंबर कौन से हैं, सारी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट की जा सकती हैं। GSTR3 भी जनरेट किया जा सकता है। ये सारी रिपोर्ट हमको नेट पे आउट वर्ल्ड सप्लायर कितनी है, कितना होल्ड है, कितना TCR अवेलेबल है, सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक GST से रिलेटेड टैली RP9 हमको जनरेट करता है, जिनको नेट पे अपलोड करना होता है कॉन्फ़िगर करके। आगे हम कुछ इसके रेट सेटअप भी सीखेंगे और ई बिल भी सीखेंगे। ई बिल भी GST का यूज़ करके हम ई बिल भी जनरेट कर सकते हैं। तो आज आप इतनी प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट्स जीएसटी की, इसके बाद जो मैं बताऊंगा टैली प्राइम पे जीएसटी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, एक क्लास में उस पर लूँगा, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। इसके बाद ई बिलिंग पे भी बात हम करेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके थैंक्स।